दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज श्री आनंदपुर साहिब जिला रूपनगर। हिंदी विभाग हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला संपर्क विभाग भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पीजी कॉलेज धर्मशाला के सभागार में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की तरफ से दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय संगोष्ठी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के विकास के लिए वरदान विषय पर देश भर से आए शिक्षकों विद्वानों व शिक्षाविदों की तरफ से मंथन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग संपर्क विभाग और भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 25 सितंबर तक होगा। भारतीय शिक्षण मंडल का यह जो कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है। अपने देश में अपनी भाषा केवल हिंदी भाषा नहीं, अपनी सभी भाषाएं जो हैं उसको राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की आवश्यकता है और उनको विकसित करने की भी ज़रूरत है। इस विषय को लेकर अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, इस शिक्षा नीति में इसका कैसा प्रावधान है, क्या पद्धति का है, इस पर विचार गोष्ठी मुझे लगता है आज से 1-2-3 दिनों के लिए यहाँ होने वाली है। अपने देश के विभिन्न प्रदेशों से प्रतिनिधि इसमें आए हैं और हर एक प्रांत की भाषा अलग है। उस भाषा को कैसे विकसित करके विद्यार्थियों तक, अपने नए पीढ़ी तक कैसे पहुंचाना, इसके लिए यहाँ विचार गोष्ठी में सब कुछ होने वाला है, चर्चाएं होने वाली है, मंथन होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं उनको आज उसका उद्घाटन हुआ, उन सबके कार्यक्रमों के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। हर एक की मातृभाषा की, जैसे कि यहाँ आदरणीय मुकुल कानिटकर जी यहाँ बोल रहे थे कि मातृभाषा भी अपनी भाषा होती है। हर एक की भाषा, ये मातृभाषा, उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रयोजन है, उसका प्रावधान है। उसको अगर हम ठीक ढंग से उसको अगर यहाँ उसका उपयोग करेंगे, उसका अगर कार्यान्वयन करेंगे, तो मातृभाषा भी अपनी विकसित हो जाने वाली है। मैंने कहा अभी मेरे भाषण के अंत में, मैंने आज की जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यह शिक्षा नीति हमारा स्व जागृत करने वाली है। उस स्व में सब कुछ आता है, स्वदेश आता है, स्वभाषा आता है, स्व इतिहास आता है, स्व परंपरा आती है। मुझे लगता है इस सब को जागृत करने वाली आज की अपनी शिक्षा नीति है। उसको अगर ठीक ढंग से हम अपनाएंगे, कार्यान्वित करेंगे, तो स्व अपना जागृत होकर विदेश की ओर अपनी देखने की अपनी जो आज की परिस्थिति है वो खत्म हो जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की जानकारी के लिए श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज श्री आनंदपुर साहिब जिला रूपनगर ऑटोनोमस जो कि नैक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त, भारत सरकार द्वारा स्टार कॉलेज स्टेटस प्राप्त, भारत में 56वां और पंजाब में 3रा रैंक, इसी के साथ पंजाबी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान सफलतापूर्वक चल रहा है। सत्र 2022-23 के लिए दाखिले शुरू है। 12वीं के बाद बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, वीवर्क फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड जर्नलिज्म, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके साथ ही स्नातक पाठ्यक्रम में किस विषय में विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार चयन कर सकते हैं, इसके साथ ही स्नातकोत्तर में 25 विषयों को चुन सकते हैं। एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जूलॉजी, एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, एमएससी आईटी लेटरल एंट्री, एमए हिंदी पंजाबी, हिस्ट्री इंग्लिश, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक वोकल, पीजीडीसीए। इनमें से चुने हुए विषयों के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। 90% अंक प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को कॉलेज अपनी तरफ से सहायता अनुदान देता है। इसके अतिरिक्त बस सुविधा, हॉस्टल की व्यवस्था भी उपलब्ध है। इन स्कीम में से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर एचपी स्टूडेंट्स, एससी, एसटी, ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के लिए उपलब्ध है। अपने सुनहरे भविष्य के लिए और अपने बच्चों के समावेशी विकास के लिए श्री गुरु
तेग बहादुर खालसा कॉलेज में दाखिला लें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9988119876।